जलदाय विभाग की टीम के साथ मरार इलाके में हुई मारपीट। जलदाय विभाग की टीम ने पानी व्यर्थ बहने कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर मकान मालिक और युवकों ने महिला जीएन के साथ की मारपीट। महिला ने अलवरगेट थाना पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। हाँ नोट कर, चल स्टेज बनने जा रहे हैं उसको बोलिए। हाँ कल्याण, हाँ चल जा कल्याण बनने के बाद। आंटी हमने बोला अजमेर में एक महिला जेईएन को पानी की वेस्टेज रोकने के लिए कहना भारी पड़ गया। महिला के साथ मकान मालिक ने न केवल गाली गलौज की अपितु मारपीट भी कर डाली। मामला अजमेर के जेपी नगर इलाके का है, जहां जलदाय विभाग की महिला जेईएन अपनी टीम के साथ अवैध कनेक्शनों की पड़ताल करने के लिए पहुंची, लेकिन उसी वक्त एक मकान के बाहर लगातार वेस्टेज बह रहे पानी को लेकर मकान मालिक को आवाज़ दी, लेकिन यह आवाज़ मकान मालिक को नागवार गुजरी और उन्होंने जलदाय विभाग की टीम के साथ मारपीट कर डाली। जलदाय विभाग के कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए और महिला कर्मचारी के कपड़े भी फाड़ दिए। मामला अलवरगेट थाने पहुंचा, जहां महिला जेईएन रश्मि ने अपने साथ हुई मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई। घटना के बाद स्थानीय लोग भी थाने पहुंचे और थाने में हंगामा करने लगे, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला जेईएन पर कुछ जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया। शिकायत थी और आप वहाँ उस इलाके में क्यों गए थे? कलेक्टर सर के आदेश थे कि है ना प्रति सप्ताह अवैध कनेक्शनों की चेकिंग करनी है, तो हम अवैध कनेक्शनों की चेकिंग करने गए थे वहाँ पे। तो हम चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग करते वक्त हमें उनका टूटी खुली हुई मिली, तो हमने उनका आवाज़ लगाई। वहाँ पर पानी वेस्ट बह रहा था, उनको आवाज़ लगाई, गेट खटखटाया तो कोई सुन नहीं रहा था, तो थोड़ा जोर से आवाज़ लगाई कि कोई है क्या भाई साहब घर में। तो ऊपर से कोई गेट खोलता और बोलते क्या है क्या करने आए हो, सुबह सुबह ऐसे कैसे आवाज़ लगा रहा है, यूँ क्यों बोल रहा है। फिर उनको नीचे बुलाया कि आपका ये टूटी खुली हुई बंद कर लो। तो अगर तू सुबह सुबह कैसे आ गया, कौन हो तुम हम लोगों को क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो। ऐसे कहने लगे कि तुम लोगों है ना हम लोगों को बोलो कि है ना तुम हम आतंकवादी है ऐसे कहने लगे, और घर का शटर खोल के और यूँ कह रहे कि सबको यहाँ अंदर डालो, यहाँ डकैती करने आए हैं हमें कह रहे कि हम डकैती करने आए। और फिर हम लोगों के साथ हाथापाई करने लग गए, धक्का मुक्की की, और मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। मेरे को चाटा मारा उनके वाइफ ने और उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने ऐसा घेराव करके मेरे को पकड़ लिया था। मारपीट कर रहे थे मेरे साथ कर्मचारी लोग थे, ये भी थे, और मेरे कपड़े भी फटे। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको ना मतलब अरेस्ट करे। क्या हुआ? पानी मैडम और हेमराज जी आगे जाके गए थे, मैं और नितिन जी पीछे बिल चेक कर रहे थे। जितनी देर में हेमराज जी ने कहा भाई पानी वेस्ट जा रहा, आवाज़ लगाई भाई साहब के आवाज़ लगाई, तो नीचे आते अनशन फोन लग गया। जितने में हम मोटरसाइकिल लेके वहाँ पहुँच गए, हमने मोटरसाइकिल खड़ी करी, हमने कहा भाई साहब पानी वेस्ट जा रहा, तो उनकी वाइफ आई, उन्होंने हमारे सामने नली लगाई और कह रहा था तुम ऐसे अनशन क्यों बोल रहे हो। फिर हमारे को बोलने लग गया, हम जो अगर कोई काम करेंगे साथ जा रहे हैं तो हम तो वीडियो तो बनाएंगे कम से कम, कि भाई आप जब अनशन बोल रहे हो हमारे से बदतमीजी कर रहे हो, तो हम सरकारी कर्मचारी हैं तो अपनी उसके लिए क्या करेगा आदमी, सेफ्टी के लिए कम से कम वो तो वीडियो बनाएगा। क्या हुआ फिर? तो वीडियो बना लगा तो मेरा कैमरा छीन लिया। मेरे कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग तो है और फोटो नहीं है। मैंने कहा भाई कैमरा क्यों छीन रहे हो आप? तो बोले कि ना हम मुसलमान हैं, तो तुम हमारे को ये कह रहे हो कि ना तुम पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे हो, तेरे माथे पर लिखा हुआ तो मुसलमान है, हम तो जानते नहीं, देखो नाम जानते नहीं, पता जानते नहीं। फिर हमने वो दीवार पे इनके एक नंबर लिखते हैं हमारा वेंडर का, वो नंबर की मैं मोबाइल से फोटो ले रहा था, वो मेरे मोबाइल में फोटो आई इनकी उसकी कि भाई ये 35 का कुछ भाग का ऐसा नंबर है। फिर उन्होंने बोला शटर खोल, तो मैडम के उनको पसंद बंद करो, कि मैडम का मोबाइल छीन लिया उनके लड़के ने, एक लड़का और इनके साथ अभी ये 3 जो आए हैं इनके अलावा एक लड़का और है जिसने मैडम के साथ बदतमीजी करी पूरी। अब हम महिला जेईएन को छुड़ाएं या हमने कहा भैया छोड़ दो महिला जेईएन है, आपको अच्छा नहीं पता होता सभ्यता तो रखो कम से कम। एक लड़की जेईएन आया और आप उसका मतलब ये करो। फिर मैंने सिंह जी ने हमारी मैडम को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, फिर हमने रिक्वेस्ट करके उनसे मैडम का मोबाइल लिया उनके हाथ से कि भाई आप मैडम का मोबाइल दे दो भैया, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। भाई क्या चाह रहे हो आप लोग? हम चाह रहे हैं कि भाई जो टीम जाती है तो कम से कम हमारे साथ जो वो बदतमीजी हुई मैडम के साथ बदतमीजी, कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। Thank you.
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।